हाय बेबी। तुम अमर, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। बहुत कुछ प्लान भी कर लिया है मैंने। वैसे तुमने क्या प्लान किया है मुझे सरप्राइज देने के लिए? हमने पता है क्या प्लान किया है? ये प्लान किए हैं हम हमारे प्यारे मुंगेरी लाल देवर जी अपने सपनों की दुनिया से ना बाहर आ जाओ, वरना अभी तो धक्का मारे हैं, अगली बार डंडे मार कर जगाएंगे। अनन्या पांडे मर जाएगी, पर तुम्हारे जैसे जलील और वाहियत इंसान के साथ में सपने में भी शादी नहीं करेगी। कितनी भोली हो तुम। क्या मतलब है? मतलब ये अमर, चुप। बदतमीजी मत करो। मैं तुम्हें किडनैप करने वाला हूँ। जब तक ये सब लोग उठ के ब्रेकफास्ट करने के लिए आएंगे ना, उससे पहले हम शादी हो चुके होंगे। देविका, देविका, देविका। हाँ, हाँ। क्या हुआ? तुम इतनी घबराए हुई क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, वो अनन्या। कौन अनन्या? हाँ, वो मेरी दोस्त बनारस में रहती है। हाँ, क्या हो गया? मैंने ना बहुत बुरा सपना देखा अनन्या, वो मेरी दोस्त, वो बहुत मुसीबत में, मुझे बहुत डर लग रहा है शाम। जस्ट लेट्स गो टू बनारस, प्लीज जस्ट लेट्स गो। अनन्या, अनन्या, अनन्या कहाँ है? पता नहीं, हम भी कब से अनन्या को ही ढूंढ रहे हैं। आपको ना पता हो ऐसा हो ही नहीं सकता। शिव, अगर हमें पता होता तो इस तरह पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे होते? अमर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं उसने अनन्या को एक सेकंड। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे भाई पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। आपकी तरह नहीं है वो, एक अच्छा इंसान है। और एक वही ऐसा इंसान है जो अनन्या को आपकी और मेरी शैतानी शक्तियों से बचा सकता है। सही कह रही थी अनन्या, अमन ने शिव का दिमाग पूरी तरह से खराब कर रखा है। अमर इससे पहले अनन्या का कुछ करे, मुझे अनन्या को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। Thank you.
पता है नन्या, जब पहली बार हम दोनों उस आग में फंसे थे तब से मेरे दिमाग में एक ही वीडियो चल रहा है कि हम फेरे ले रहे हैं। अगर तुम पहले मान जाती ना तो आज हमारा छोटू सा अमान्य आने वाला होता। रिलैक्स स्वीटहार्ट, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारे पैरों में दर्द होगा। फिर फेरे कैसे लोगी? नॉटी गर्ल, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गोद में उठा के फेरे लूं? अरे तो ऐसे पहले बोलना चाहिए था ना, ऐसे अपने आप को दर्द मत दो। ये नथ देखो, तुम्हारे फेस पे सूट करेगी ना? ज्यादा बड़ी तो नहीं है, चलो ट्राई करते हैं। तुम्हारी नाक में तो छेद ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। दर्द हो रहा है? ऐसे ही मुझे दर्द हो रहा था जब तुम बार बार मुझे चिढ़ाने के लिए शिट को आई लव यू बोलती थी, मुझे रिजेक्ट करती थी। आज हिसाब बराबर, क्योंकि शादी से पहले सभी कर्मों के हिसाब सही हो जाने चाहिए, वरना नई जिंदगी में ना दिक्कतें आती हैं। कहाँ गई ये लड़की? कब से ढूंढ रहा हूं उसे, दिखाई नहीं दे रही कहीं पर भी। शिव, 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 हम जानते हैं कि हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तुम हम पर भरोसा करो, लेकिन एक बार हम पर भरोसा करने की कोशिश करो। शिव, एक बार शिव ये समझ लो कि चुड़ैल नहीं, एक माँ तुमसे बात कर रही है। हमारी आंखों में देखो शिव, तुम्हें इस बार सिर्फ अनन्या के लिए फिक्र नजर आएगी। सोची हो ना, पंडित जी तो है नहीं, फिर शादी कैसे होगी? क्या चढ़ है? तुम्हारा पति ना बहुत स्मार्ट है, इसलिए सारी तैयारियां पहले से करके रखता है। अब जिसकी बीवी इतनी स्पेशल हो, शादी भी स्पेशल होनी चाहिए ना। ये! I'm so excited. आज फाइनली
मेरे नाम का सिंदूर तुम अपनी मांग में भरोगी। क्या हुआ शिव, किसका फोन था? अमर का फोन था। दोबारा फोन करने की कोशिश करो तो स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन जब इसका फोन आया तो पीछे से मंदिर की घंटिया की आवाज आ रही थी। मंदिर? इस वक्त रात को कौन सा मंदिर खुला होगा? आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है। रात को सिर्फ एक ही मंदिर खुला होता है। शिव, चलो हमारे साथ। भूल के भी आज के बाद ऐसी गलती मत करना। तुम्हारा शिव यहाँ नहीं आने वाला बचाने। आज हमारी शादी है। मेरा मूड मत ऑफ करो वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। नमस्ते। नमस्ते दादी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे बेटा तुम यहाँ? एक्चुअली दादी वो मैं और शान हम दोनों अनन्या से मिलने आए थे। अनन्या कहाँ है? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप लोग सब परेशान लग रहे हो। अम्मा जी। हाँ? अम्मा जी मंजारी का पान खाके भूख तो बोलते नहीं है वो लोग, कहीं नहीं मिले। दादी जी हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना? और क्या बताएं बेटा, ये अनन्या, उसकी मम्मी, अमर और शिव पता नहीं कहाँ चले गए और किसी को कुछ अथा पता भी नहीं है। अनन्या गायब है। हाँ बेटा। शाम मैं तुमसे कह रही थी ना, मुझे सुबह से बहुत अजीब से थॉट्स आ रहे थे। रिलैक्स, मिल जाएंगे। हमें लगता है हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। वही लोग सुरंदा और अनन्या को ढूंढ कर लाएंगे। हाँ सारे साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब तो हमें पुलिस की ही मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि भाभी जी का फोन भी नहीं लग रहा है। अंकल आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों यही कहीं होंगे। यहाँ दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ जंगल ही जंगल। यहाँ कैसे हो सकते हैं? वहां चल के देखते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष। हे अग्निदेव, आप तो सच के प्रतीक है ना? झूठ परेब धोखा इन सबसे नफरत है ना आपको? तो फिर आपको साक्षी मानकर ये वाहियात आदमी हमसे शादी कैसे कर सकता है?
आप अपने सामने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक कैसे उन्हें दे सकते हैं अग्निदेव? कुछ कीजिए अग्निदेव, आज आपकी और हमारी दोनों की इज्जत का सवाल है। भगवान जी, अनन्या जहाँ भी हो प्लीज उसका ख्याल रखेगा, बुराई से लड़ने में उसकी हेल्प कीजिएगा। आई मीन उसे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों का तो नाम निशान नहीं है यहाँ पर। हे महादेव, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अनन्या को प्रॉब्लम से बचाने का वादा किया था मैंने, लेकिन आज शायद मेरी वजह से अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में है। दरवाजा अंदर से लॉक है। काश आज मेरे पास मेरी शक्तियां होती। शिव, अपना रुद्राक्ष निकालो। हमें इस वक्त तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। अनन्या को बचाने के लिए मुझे किसी शक्तियों की जरूरत नहीं है।